नमस्कार साथियों सी एस सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबोर्डिनेट कोर्ट का प्रीवियस क्लर्क पेपर ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने एच पी हाई कोर्ट का क्लर्क का पेपर भरा है जिसका एग्जाम मे भी मार्च या अप्रैल में होने वाला है इस वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन को ही देखेंगे चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी आपके सिस्टम का ब्रेन है सीपी के अंदर आपके कंट्रोल यूनिट आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट आते हैं और जो रजिस्टर होते हैं वो सीपीओ में इनबिल्ट होते हैं चलिए बाकी के ऑप्शन को भी समझ लेते हैं पहले में देखा था कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या होती है कंट्रोल का यूनिट का काम है जितने भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जारी है थ्रू इनपुट वाइज उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म सीपी में होने हैं उनको एक उनको एक वैलिड डायरेक्शन प्रोवाइड करना और कंट्रोल यूनिट आपके दो सिग्नल जनरेट करती है एक कंट्रोल सिग्नल एक टाइमिंग सिग्नल कंट्रोल सिग्नल का काम है सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना एंड टाइमिंग सिग्नल का काम है कि टू मैनेज किस टाइम कौन सी एक्टिविटी होनी है किस टाइम कौन सा टास्क परफॉर्म होना है वो उसका काम है कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इट एक्ट एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये मेन पॉइंट है कंट्रोल यूनिट आपकी सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह भी काम करती है एंड इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स इनपुट एज वेल एज आउटपुट यूनिट्स इट ऑल्सो ऑप्टेंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन एंड इशू सिग्नल्स दैट कॉज अदर यूनिट ऑफ सिस्टम टू एग्जीक्यूट दैम सेकेंड में दिया गया था इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट वो होती है जिसके थ्रू हम सिस्टम में इनपुट डालते हैं जो कि आपकी डाटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होती है इसके तीन फंक्शन होते हैं पहला इट एक्सेप्ट और रीड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्राम आउटसाइड द वर्ल्ड सेकेंड काम है इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म क्योंकि कंप्यूटर को तो जीरो एंड वन की फॉर्म में समझ आएगा तो उसको कन्वर्ट कर किया जाएगा ये जो जितना भी कन्वर्जन होगा ये होगा यूजिंग इनपुट इंटरफेस के द्वारा थर्ड में आता है इसका लास्ट प्रोसेस इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू देश यूनिट फॉर स्टोरेज एंड फर्दर प्रोसेसिंग सी में देखा था रैम रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो रैम के अंदर होती है और जैसे ही आप, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है या फिर पावर लॉस हो जाए तो जो भी कंटेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू इसमें पूछा गया था वट इज़ द काइंड ऑफ सी डी रोम सी डी रोम आपकी ऑप्टिकल डिस्क है सी डी रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी भी थ्री वेरिएजन है तीन वेरिएशन आती है एक होती है सी डी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली एक होती है सी डी आर ओ एम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक होती है सी डी आर डब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल और जो सी डी आर है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डिंग सेकेंड में दिया गया था ऑप्टिकल डिस्क में आपकी डी भी आती है और बी भी आती है डी वी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड बी आर डी स्टैंड फॉर ब्लू रे डिस्क सेकेंड में दिया गया था मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में आप आपकी आती है हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क सी आती है आपकी मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क ये ऐसी डिस्क होती है जो मैग्नेटिक एज वेल एज ऑप्टिकल डिस्क दोनों की टेक्नोलॉजी को यूज करती है तो क्वेश्चन टू का आंसर है ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड इसका सही साथ, आंसर है ऑप्शन बी सेल एम एस एक्सल में जो आपकी आपकी शीट होती है वो ग्रिड फॉर्म में होती है जिसमें रो एंड कॉलम बने होते हैं जहाँ पे ये रो एंड कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट inter करते हैं उनको सेल बोलते हैं फर्स्ट में देखा था डाटा सेट डाटा सेट होता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास इज नॉन एज डाटा सेट ये एक किस्म का डाटा सेट है मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा सी में देखा था डाटा डाटा इज कलेक्शन ऑफ रो डाटा इज कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर डाटा का डाटा अपने आप में एक डाटा की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है जब उसको प्रोसेस किया जाता है तब तो एक एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन बनती है और इंफॉर्मेशन के बाद वो प्रोसेस होकर एक गुड नॉलेज बनती है क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिवेटेड यू कैन सी इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव क्योंकि जब फॉमूला बार एक्टिवेट होता है तो उसमें द एडिट फॉर्मूला बटन भी होता है द कैंसिल बटन भी होता है द एंटर बटन भी होता है ये तीनों ही सही है क्वेश्चन नंबर फाइव मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फॉर्म मर्ज सेल का मतलब होता है बहुत सारे सेल को कम्बाइन करके एक बड़ा सेल बनाना तो इसका सही आंसर है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब ये आपको होम टैब में ही होम टैब में ही दिख जाएगा और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में भी इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है वन मिलियन बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन आर वन मिलियन इज इक्वल टू वन मेगा बाइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लेकिन अगर क्वेश्चन होता है वन बिलियन बाइट तब आपका आंसर होता है वन गेगा बाइट एंड वन किलो बाइट होता है आपका वन जीरो टू फोर बाइट क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई पी आई पी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका ओएसआई मॉडल में थर्ड लेयर पे काम करता है जो लेयर है नेटवर्क लेयर। आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का होता है जिसमें आपके चार ऑक्टेट होते हैं और हर एक ऑक्टेट में आठ बिट स्टोर होती है आठ ओके बत्तीस और इसको रीड करना बहुत ही मुश्किल था तभी इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आई जिसको बोलते हैं डी एन एस डोमेन नेम सिस्टम आई एड्रेस आपका दो वर्जन में अवेलेबल है एक आपका आई वर्जन फोर और एक आपका आई वर्जन सिक्स आई पी बी फोर आपका बत्तीस बिट का होता है और आई पी वी सिक्स आपका एक सौ अठाईस बिट का होता है क्वेश्चन नंबर आठ में पूछा गया है सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी मेमोरी को आप ऑगजेली मेमोरी भी बोलते हैं इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर सेकेंडरी मेमोरी में आपके आ जाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव सी डी ड्राइव डी वी डी बी आर डी फ्लैश ड्राइव जिसमें आपके पेन ड्राइव और स्टोरेज डिस्क कार्ड एस डी कार्ड जिसको बोलते हैं वो आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन माउस ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ ये तीनों आपके पॉइंटिंग डिवाइस है और एज वेल एज ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस भी है क्वेश्चन नंबर टेन ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है मॉडर्म इज़ यूज मोस्टली फॉर मॉडर्म का यूज होता है मोस्टली कनेक्शन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट ऑप्शन सी कनेक्टिंग टू द इंटरनेट इज द राइट आंसर मोडम स्टैंड फॉर मोडोलेटर एंड डी मोडोलेटर मोडोलेटर का काम है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना एंड डी मोडरेटर का काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना डैट इट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी भेज सकते हैं और उसी के साथ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंटेंट के साथ और एक नए पेपर के साथ थैंक यू हैव अ नाइस डे